दोस्तों मुंबई और चेन्नई भारत के सबसे बड़े महानगरों में से एक हैं। एक तरफ मुंबई अपनी मॉडर्न एंड रिच लाइफस्टाइल और फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई अपने एंशियंट टेंपल और तमिल संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यह वह शहर है जिसने आज के समय के हिसाब से खूब तरक्की तो की ही है, साथ ही यह शहर अपनी हजारों साल पुरानी विरासत को भी समेटे हुए है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों शहर मुंबई और चेन्नई के बीच कंपेरिजन करने वाले हैं। कई अहम पैरामीटर्स के आधार पर हम इन दोनों शहरों को कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर एक, इंट्रोडक्शन। दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। यह शहर अरब सागर के किनारे बसा है। मुंबई को भारत का गेटवे भी कहा जाता है। मुंबई की GDP भारत के किसी भी शहर के मुकाबले सबसे ज्यादा है और यही वजह है कि मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी का दर्जा हासिल है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु की कैपिटल सिटी है। चेन्नई को पूरे साउथ इंडिया का कल्चरल और इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है। इस शहर को साउथ इंडिया का गेटवे भी कहते हैं। नंबर दो, पॉपुलेशन एंड एरिया। दोस्तों मुंबई और चेन्नई की गिनती भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में की जाती है। मुंबई करीब 2 करोड़ की जनसंख्या के साथ भारत का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। मुंबई का एरिया 603 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी 31,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई पॉपुलेशन वाइज पूरे देश में 4वें नंबर पर स्टैंड करता है, जिसकी आबादी 2023 में करीबन 1,24,00,000 है और चेन्नई की यह विशाल आबादी 426 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहती है। नंबर तीन, रिलीजन। दोस्तों मुंबई में सबसे ज्यादा लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, जिसका परसेंटेज 66 है। वहीं 20.65% के साथ इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। 3.27% क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं। 4.8% बौद्ध और 4% जैन धर्म को मुंबई के लोग फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई में भी सबसे बड़ा धर्म हिंदू ही है, जिसे करीबन 80% लोग फॉलो करते हैं। इस्लाम को 9.5% लोग फॉलो करते हैं। इनके अलावा 7.7% क्रिश्चियन और 1.11% जैन धर्म को चेन्नई के लोग फॉलो करते हैं। नंबर चार, इकोनॉमी। दोस्तों मुंबई भारत का सबसे अमीर शहर है, जिसकी GDP इस समय करीबन $350 बिलियन है। भारत के GDP में मुंबई की हिस्सेदारी 6% से भी ज़्यादा है। भारत की सभी बड़ी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंश्योरेंस कंपनीज के हेडक्वार्टर इसी शहर में हैं। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE भी मुंबई में ही हैं। मुंबई से ही भारत का 25% इंडस्ट्रियल आउटपुट, 40% मैरीटाइम ट्रेड, 30% इनकम टैक्स कलेक्शन, 45% इंटरटेनमेंट टैक्स के साथ साथ भारत का 100% स्टॉक मार्केट एसेट जनरेट होता है और यही वजह है कि मुंबई को भारत का इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई भारत का 5वां सबसे अमीर शहर है, जिसकी GDP करीब $90 बिलियन है। चेन्नई को साउथ इंडिया का इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेंटर कहा जाता है। ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, हेल्थ केयर और टूरिज्म का इस शहर की इकोनॉमी में अहम योगदान है। भारत के किसी भी शहर के मुकाबले चेन्नई में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और इसी इंडस्ट्री की वजह से शहर को भारत का डेट्रॉयट कहते हैं। इसके साथ ही IT इंडस्ट्री भी चेन्नई में तेजी से अपने पैर पसार रही है। चेन्नई बेंगलोर के बाद भारत का 2nd लार्जेस्ट IT एक्सपोर्टर है। चेन्नई को भारत की हेल्थ कैपिटल भी कहते हैं, जहां देश के कुछ बेस्ट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं। विदेशों से भारत आने वाले करीब 45-50% हेल्थ टूरिस्ट और 40% डोमेस्टिक हेल्थ टूरिस्ट चेन्नई को ही प्रायोरिटी देते हैं। नंबर पाँच, टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों मुंबई और चेन्नई भारत के सबसे बड़े शहर होने के साथ साथ अपने टूरिस्ट प्लेसेस के लिए भी फेमस हैं। भारत समेत दुनिया भर से लाखों सैलानी इन दोनों शहरों में घूमने आते हैं। सबसे पहले मुंबई के टूरिस्ट प्लेसेस पर नज़र डालें तो इनमें गेटवे ऑफ इंडिया, बांद्रा बर्री सी लिंक, मरीन ड्राइव, कनेरी कैप्स, एलिफेंटा कैप्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, हाजी अली दरगाह और सिद्धिविनायक टेम्पल जैसे कई बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस शामिल हैं। दूसरी तरफ चेन्नई को साउथ इंडिया का कल्चरल सेंटर कहते हैं। इसी कल्चर को करीब से जानने के लिए हर साल लाखों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट चेन्नई घूमने आते हैं। इस शहर में मरीना बीच, अष्टलक्ष्मी टेम्पल, मायलापुर, दक्षिण चित्रा, बिरला प्लेनेटेरियम, मद्रास बार मेमोरियल, गवर्नमेंट म्यूजियम और 1000 लाइट मॉस्क्यू समेत ढेर सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं। तो दोस्तों ये था भारत के दो बड़े महानगर मुंबई और चेन्नई के बीच एक छोटा सा कंपेरिजन। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल A1 इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।